नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुविज्ञा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मैं सुनील जैन आज आप सभी को हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार, रचनाकार, कवि हृदय जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा क्योंकि इनकी प्रसिद्धि इनके नाम से ही है। आपने सुना होगा इनके नाम से एक युग का प्रारंभ हुआ था जो कि भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 1857 से लेकर 1900 तक का जो काल है वो भारतेंदु युग कहलाता है। उस टाइम पर इनकी रचनाओं का बोलबाला था और हिंदी साहित्य, हिंदी खड़ी बोली के लिए इन्होंने इतना काम किया कि आज भी लोग उस युग के नाम से इन्हें जानते हैं। चलें चलते हैं सीधे इनके परिचय पर। आप लोग अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर भी करें क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है और छठवीं से बारहवीं तक की बुक्स में भी इनका परिचय पूछा जाता है, तो यहाँ भी उस दृष्टि से ये उपयोगी है। चलें चलते हैं। नाम इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र, जन्म 9 सितंबर 1850, जन्म स्थान काशी जो कि बनारस है, बनारस के नाम से इनकी माता का नाम प्राप्त नहीं हुआ है। इनके पिताजी जो थे गोपाल चंद्र नाम था इनका और उपनाम जो था वो गिरधर दास था। हरिश्चंद्र की 5 वर्ष की उम्र में माता का देहांत हो गया और 10 वर्ष की अल्प आयु में पिता का देहांत हो गया, पिता की मृत्यु हो गई। शिक्षा इनकी क्वींस कॉलेज बनारस में इन्होंने प्रवेश लिया और 3-4 वर्षों तक कॉलेज आते जाते रहे और यहाँ से ही इन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की। आपको मैंने इसके पहले जिनका परिचय दिया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी जो थे वो उसी कॉलेज में पढ़ाया करते थे जहाँ पर ये पढ़ने जाते थे। तो इन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी से अंग्रेजी सीखी थी, अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद हिंद थे, भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते और उन्हीं से अंग्रेजी सीखी। स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएँ सीख ली। अपने स्वयं के स्वाध्याय से ही उन्होंने इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और भारतेंदु के वृहत साहित्यिक योगदान के कारण उनका साहित्य में इतना ज़्यादा योगदान रहा। मैं आपको इनकी रचनाएं बताऊंगा, भारत दुर्दशा जैसी इनकी रचनाएं हैं, तो भारतेंदु के बृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग का नाम दिया गया। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई थी, वो भी बनारस में ही हुई थी मृत्यु। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही अपनी कविता में बहुत ज़्यादा जोर दिया था खड़ी बोली पर। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। विद्वज्जनों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि 1880 में प्रदान की थी। जो ये भारतेंदु पीछे लिखा जाता है, इनकी उपाधि है जो कि 1880 में प्रदान की गई थी। उन्होंने बाल विबोधनी नाम की पत्रिका, हरिश्चंद्र पत्रिका और कवि वचन सुधा पत्रिकाओं का संपादन किया। भारतेंदु ने सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली जिसमें बड़े बड़े उस वक्त के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट करें और ध्यान से, ये कंप्लीट पूरा वीडियो आपको उपयोगी है और इनका परिचय में एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। हिंदी साहित्य के ये तो पितामह हैं ये, और आधुनिक काल जो कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु की देन भाषा तथा साहित्यिक क्षेत्र दोनों में है क्योंकि भाषा के क्षेत्र में इन्होंने खड़ी बोली को आगे बढ़ाया। ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर इन्होंने कविताएं लिखी और भारत की जो कंडीशन थी, जो सामान्य मानविकी में चल रहा था, व्यवहार में चल रहा था और राजनीति में चल रहा था, उस टाइम की परिस्थितियाँ जो चल रही थी और भारत की जो रियल कंडीशन थी, उस बारे में इन्होंने रचनाएं लिखी, यथार्थ रचनाएं लिखी। भारतेंदु जी के काव्य की भाषा प्रधानतः व्रज हुआ करती थी, जो काव्य की भाषा थी वो व्रज थी, लेकिन
जो खड़ी बोली है हिंदी भाषा है इस पर भी जोर दिया करते थे। भारतेंदु आधुनिक खड़ी बोली गद्य के उन्नायक हैं और अनुप्रास की योजना स्पष्ट दिखाई देती है। आपने ये पंक्ति सुनी होगी, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है और ये पंक्तियाँ इन्हीं की हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। भारतेंदु स्त्री पुरुष की समानता के लिए बड़े पक्षधर रहे। हरिश्चंद्र जी की कौन कौन सी रचनाएं रहीं जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, यहाँ रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें कुछ पहले तो मौलिक नाटक हैं। मौलिक नाटक कौन कौन से हैं, तो वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती एक इस नाम से, और ये प्रहसन है। नाटक के जो भेद होते हैं तो उस भेदों में, उन भेदों में एक प्रहसन है, नाटक प्रहसन भाण डिम, इस प्रकार से। अगला है सत्य हरिश्चंद्र, जो कि नाटक है। श्री चंद्रावली नाटिका है और नाटिका उपभेद है, मतलब जो नाटक आदि हैं इनके उपभेद के अंतर्गत ये आते हैं। आगे भारत दुर्दशा, ये भी एक नाट्य रासक है। विशस्य विषम औषधम ये भाण है। नीलदेवी ऐतिहासिक गीति रूपक है। अंधेर नगरी प्रहसन है। प्रेम जोगिनी प्रथम अंक में चार गर्भांक, चौथा अंक गर्भांक है और नाटिका है। सती प्रताप अपूर्ण है, केवल चार दृश्य गीति रूपक बाबू कृष्णदास ने पूर्ण किया है इसे। आगे विद्या सुंदर नाम से जो कि एक नाटक है, संस्कृत 84 के यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। पाखंड विडंबना प्रबोध चंद्रोदय नाम का जो नाटक है संस्कृत का, कृष्णपति मिश्र जी का, तो उसके तृतीय अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय, इसके बाद में कर्पूर मंजरी, ये सट्टक है राजशेखर जी का, तो उसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। भारत जननी भारत माता मुद्रा राक्षस दुर्लभ बंधु, तो इस प्रकार के जो दुर्लभ बंधु है, मर्चेंट ऑफ वीनस जो शेक्सपियर का है उसका अनुवाद है। यहाँ पर देखें कुछ और दिए हुए हैं, जिसमें कुछ रचनाएं यहाँ पर ये दी हैं। निबंध प्रमुख निबंध नाटक कालचक्र लेवी प्राण लेवी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है कश्मीर कुसुम जातीय संगति संगीत सार हिंदी भाषा स्वर्ग में विचार सभा। यहाँ काव्य कृतियाँ दी हुई हैं जो उनकी काव्य कृतियाँ रहीं, प्रमुख काव्य कृतियाँ भक्त सर्वस्व प्रेम मालिका प्रेम माधुरी प्रेम तरंग हेम प्रलाप होली मधु मधु मुक्कुल राग संग्रह वर्षा विनोद विनय प्रेम पचासा। तो इस प्रकार से ये जो इनकी रचनाएं थी ये काव्य रचनाएं हैं। यहाँ कुछ कहानियाँ भी हैं, तो एक कहानी है अद्भुत अपूर्व स्वप्न यात्रा वृत्तांत में सरयू पार की यात्रा। आगे एक लखनऊ यात्रा वृत्तांत है आत्मकथा जो है। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से आत्मकथा है। उपन्यास जो है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा नाम से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उनका पूरा परिचय था ये पूरा परिचय कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग इसको PDF के माध्यम से भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, तो और भी जो अच्छा हो सके वो आप करने का प्रयास कर सकें।